क्या आप जानते हैं कि प्लेन उड़ाते वक्त पायलट को चाय या कॉफी पीने की इजाजत क्यों नहीं होती? या फिर क्या आप जानते हैं कि आसमान में सफेद रंग की लाइन कब बनती है? क्या आप जानते हैं कि समुद्र के बीचों बीच खराब होने वाले जहाज के साथ क्या किया जाता है? और क्या आपको पता है कि सिंगापुर में रात 10 बजे के बाद सड़कों पर घूमना क्यों मना है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, सिंगापुर एक बहुत ही खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ रात 10 बजे के बाद सड़कों पर घूमना सख्त मना है। दरअसल सिंगापुर के लोगों का मानना है कि रात के समय आराम करना जरूरी होता है, लेकिन अगर लोग देर रात सड़कों पर घूमेंगे तो इससे शोर होगा और लोगों को नींद पूरी करने में दिक्कत आएगी। इसी वजह से सिंगापुर में रात के समय घूमने फिरने या फिर शोर मचाने पर पाबंदी लगी है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को बाहर जाना है तो वो अपने साथ एक साथी को लेकर जा सकता है, यानी यहाँ रात के समय दो लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों का ग्रुप या फिर ज्यादा लोग सड़क पर देर रात नहीं घूम सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में सेंट्रल एरिया में चलने वाली सभी ट्राम्स को यात्रियों के लिए फ्री में चलाया जाता है, जिसका लाभ वहाँ के आम नागरिक और पर्यटक कोई भी उठा सकता है। दरअसल इस शहर का सेंट्रल एरिया काफी ज्यादा बिजी रहता है, जहाँ ऐतिहासिक इमारतें, पुरानी सड़कें और म्यूजियम हैं। शहर के बीचों बीच लोगों की भीड़ को कम करने के लिए फ्री ट्राम सेवा दी जाती है, ताकि आम लोग कार, बाइक या फिर अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करने के बजाय इस फ्री सेवा का लाभ उठाएं। इससे शहर के बीचों बीच ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती है, जबकि गाड़ियों की कम संख्या होने की वजह से जाम नहीं लगता है और पार्किंग और पॉल्यूशन जैसी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को शहर के सेंट्रल एरिया में आना होता है तो वो अपनी कार को एरिया के बाहर पार्क कर देता है और फिर फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का फायदा उठाते हुए पूरे इलाके में घूम सकता है। यहाँ फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरे साल भर महीने के हर दिन दी जाती है, जिससे पर्यटकों को भी काफी सुविधा होती है। फैक्ट नंबर 3, समुद्र में चलने वाले जहाज अक्सर तकनीकी खराबी की वजह से बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि उन जहाजों के साथ क्या किया जाता है। अगर शिप की हालत ठीक है और उसमें पैसेंजर या सामान ज्यादा है तो उस शिप को दूसरे जहाजों की मदद से धक्का मारकर नजदीकी किनारे तक लाया जाता है। इसके बाद उस शिप में तकनीकी खराबी की जांच करके उसे ठीक किया जाता है और फिर शिप अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन अगर जहाज बहुत पुराना है और उसे ठीक करने में ज्यादा पैसा और समय खर्च होगा तो ऐसे जहाज को पानी में ही डुबा दिया जाता है और जहाज को डुबाने से पहले पैसेंजर या सामान को दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह समुद्र के बीचों बीच खराब होने वाले जहाजों को ठिकाने लगाया जाता है, जबकि हर साल कई छोटी शिप खराबी की वजह से खुद समुद्र में डूब जाती हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने गौर किया होगा कि कभी कभी हवाई जहाजों के पीछे सफेद रंग की लकीरें बनती चली जाती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये लकीरें हवाई जहाज से निकलने वाला धुआं है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। नासा की रिपोर्ट बताती है कि आसमान में बनने वाली इस सफेद लकीर को कंट्रेल्स कहते हैं। दरअसल कंट्रेल्स भी बादल ही होते हैं, लेकिन ये आम बादलों की तरह नहीं बनते। ये हवाई जहाज या रॉकेट के गुजरने के बाद ही बनते हैं और काफी ज्यादा ऊंचाई होने पर ही बनते हैं। ये कंट्रेल्स कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। ये जहाज के गुजरने की कुछ ही देर तक दिखती हैं। इनके बनने की मुख्य वजह हवा में नमी होती है। कई बार आसमान की इतनी ऊंचाई पर तेज हवा की वजह से कंट्रेल्स अपनी जगह से खिसक जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल वहीं दिखाई दें जहां से जहाज या रॉकेट गुजरा है। ये कंट्रेल भी मौसम और ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। अगर नमी ज्यादा होती है तो ये धुआं काफी देर तक वैसे ही जमा रहता है। नमी कम होने पर धुआं तुरंत ही गायब हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, हवाई जहाज में यात्रियों को चाय और कॉफी की सुविधा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ विमान को उड़ाते समय पायलट को चाय या कॉफी पीने की इजाजत नहीं होती है। दरअसल इसके पीछे सुरक्षा अहम वजह है, क्योंकि कैबिन में बैठकर चाय पीने के दौरान अक्सर चाय या कॉफी सिस्टम पर गिर जाती है और इसकी वजह से पूरा सिस्टम चंद मिनटों में खराब हो जाता है। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पायलट इसी सिस्टम पर निर्भर करते हैं, जिसकी मदद से वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहते हैं और उनसे लैंडिंग, टेक ऑफ और मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त करते हैं। अगर सिस्टम पर चाय या कॉफी गिर जाए तो सिस्टम काम करना बंद कर देता है और उस स्थिति में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है।
यही वजह है कि पायलट को ड्यूटी के वक्त चाय या कॉफी सर्व नहीं की जाती है, जबकि उनका खाना भी कम मसालेदार और कम ऑयली होता है। हाल ही में स्पाइस जेट ने दो पायलट्स को उड़ान पर जाने से रोक दिया। दरअसल दोनों फ्लाइट के दौरान होली सेलिब्रेट करने के लिए कॉकपिट में ही गुजिया खा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी कॉफी का मग फ्लाइट डेक के सेंट्रल कंसोल पर रख दिया था। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अगर थोड़ी सी भी कॉफी छलक कर सेंट्रल कंसोल पर गिर जाती तो शॉर्ट सर्किट हो सकता था। उस समय विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर 975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। इसके बाद नागरिक विमानन महानिदेशालय ने दोनों पायलट्स की पहचान कर ऑफ रोस्टर कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।